छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। गुल्ली तो वहीं पे बेहोश हो जाता है, वो चुड़ैल तो गुल्ली को घसीट के घर के बाहर लेकर जा रही है। दोस्तों सोन ने एक नया फोन खरीदा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सोन गुल्ली बुल्ली को एक बार भी गेम खेलने के लिए फोन नहीं दिया है। सोन तो बड़े मजे से फ्री फायर खेल रहा है। गुल्ली बुल्ली इसी वजह से एक सेकेंड हैंड आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने वाले हैं, और जो आदमी गुल्ली बुल्ली से सेकेंड हैंड आईफोन 14 प्रो मैक्स बेचने वाला है वो थोड़ी देर में इस कब्रिस्तान के पास पहुंचने वाला है। ये सड़क तो काफी ज्यादा वीरान है। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है, पीछे देखो, पीछे, पीछे तो देखो। अरे ये क्या, वो आदमी तो आईफोन लेके सीधा गुल्ली बुल्ली के पास ही आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये आदमी तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कहीं का मुजरिम हो। गुल्ली बोलता है, ये लो अपने पैसे और मुझे मेरा आईफोन दे दो। वो आदमी 5000 रुपए और मांगता है। ये आईफोन मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसीलिए मैं 5000 रुपए और लूंगा। गुल्ली बोलता है, 150 रुपया देगा। ठीक है, ले जाओ ये आईफोन, लेकिन इसके बाद जो होगा इसका जिम्मेवार मैं नहीं रहूंगा। गुल्ली बोलता है, जो होगा हम लोग देख लेंगे, तुम जैसे हमने बहुत देखे हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों आईफोन लेके सीधा घर चले जाते हैं। गुल्ली घर पे आने के साथ ही फ्री फायर कस्टम सोन के साथ खेलने लगता है। डबल किल। लेकिन बुल्ली तो बेचारा मुंह ताक रहा है क्योंकि उसके पास कोई फोन है ही नहीं। सारे लोग गेम खेलने के बाद चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन ये रात गुल्ली बुल्ली के लिए काफी ज्यादा भयानक वाली रात है। तभी इस आईफोन में किसी का फोन आता है। इतनी रात को गुल्ली को कौन फोन कर सकता है, और ये नंबर भी नया है। गुल्ली आईफोन का रिंगटोन सुन के उड़ जाता है। इतनी रात को कौन फोन कर दिया? गुल्ली वो फोन को उठा लेता है। कीड़ा पर तो कोड़ी फुटता हो, कीड़ा पर तो कोड़ी फुटता हो नदिया का बेटा, चूल्हा में चलियो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा आईफोन मुझे दे दो वरना मौत मिलेगी। रॉन्ग नंबर भाई, लगता है कि तुम गलती से मेरे पे फोन लगा दिए हो। गुल्ली फोन को वहीं पर रख देता है और फिर से सोने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से फोन बजने लगता है। गुल्ली इस बार नहीं उठता है क्योंकि वो सोच रहा है कि कोई पागल फोन कर रहा है। फोन काफी देर बजने के बाद बंद हो जाता है। गुल्ली का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अरे ये क्या, ये तो एक भयानक से दिखने वाली चुड़ैल है। वो चुड़ैल तो सीधे गुल्ली बुल्ली के बेडरूम में चली जाती है। और फिर वो गुल्ली के गर्दन को दबोच लेती है। गुल्ली चिल्लाने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से तो आवाज ही नहीं निकल रहा। लगता है कि चुड़ैल के डर के कारण गुल्ली की तो आवाज ही चली गई है। मेरा आईफोन मुझे दे दे, मेरा आईफोन मुझे दे दे कालिया। छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। गुल्ली तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो चुड़ैल तो गुल्ली को घसीट के घर के बाहर लेकर जा रही है। सोन की नींद खुल जाती है। सोन उछल कर जाता है और उस चुड़ैल को डंडे से मार के वहीं भी बेहोश कर देता है। और जब सोन गुल्ली को उठाने के लिए जाता है तब तक वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। गुल्ली बोलता है, कहां गई वो चुड़ैल, मैं उसे छड्डांगा नहीं, उसने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? हाथ नहीं उठाया भाई, बल्कि मुझे घसीट घसीट के मारा, लातों से मारा, जूतों से मारा, घूंसों से मारा। सोन बोलता है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गुल्ली बोलता है, वो बोल रही थी मेरा फोन मुझे वापस कर दो, मुझे तो लगता है कि इस फोन में कुछ गड़बड़ है। गुल्ली बोलता है, हमें उस आदमी से मिलना चाहिए जिसने इस फोन को बेचा है। सोन बोलता है, मेरे फोन में उस आदमी का नंबर है, रुको मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। सोन के काफी फोन लगाने के बाद भी वो आदमी फोन नहीं उठाता है। गुल्ली बोलता है, हमें वहाँ चल कर देखना चाहिए। बुल्ली गाड़ी निकालता है, सारे लोग उस गाड़ी में बैठ के कब्रिस्तान के पास चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग उस पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। सोन बोलता है, चलो गुल्ली बुल्ली इस घर के अंदर जाके राज का पता लगाते हैं। सारे लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं।
गुल्ली बुली और सोन उस घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है, इस घर के बाहर तो एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। बुल्ली बोलता है, चूना लगा दिया। सोन बोलता है, हमें इस ताले को तोड़ के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार क्या माजरा है। सोन वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और ताले को तोड़ने लगता है। ताले को तोड़ते समय अंदर से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती है। गुल्ली बोलता है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तीनों तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बोलता है, अंदर तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सोन बोलता है, कुछ भी गड़बड़ हो मुझे तो इस राज का पता लगाना है। और फिर ये बोल के सोन ताला को फिर से तोड़ने लगता है। ताला जैसे ही टूटता है सारे लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। सोन बोलता है, अंदर तो कुछ भी नहीं है तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी। गुल्ली बोलता है, हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। सोन बोलता है, इस घर में तलाशी लेने के लिए है ही क्या, यहाँ पर तो बस एक बड़ा सा डब्बा पड़ा हुआ है, तो देर किस बात की, खोल दो इस बॉक्स के ढक्कन को। गुल्ली इस डिब्बे को खोलने लगता है। उस डिब्बे के खुलते ही उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। सारे लोग उस चुड़ैल को देख के भागने लगते हैं। गुल्ली सोन से बोलता है, गाड़ी जल्दी से स्टार्ट कर। सारे लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। सोन गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही। चुड़ैल तो धीरे धीरे उन तीनों के पास ही आ रही है। बुल्ली जोर से चिल्ला के बोलता है, सोन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, वो चुड़ैल हमारे पास ही आ रही है। सोन बोलता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है बुल्ली, लगता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब तो एक ही उपाय है यहाँ से भागने का। सारे लोग गाड़ी छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल आती है और गुल्ली बुल्ली की गाड़ी को पलट देती है। सारे लोग एक बार फिर से उसी पुराने घर में चले जाते हैं और दरवाजा को अंदर से बंद कर देते हैं। वो चुड़ैल तो धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास ही आ जाती है। गुल्ली बुल्ली उस बॉक्स को घसीट के दरवाजे के पास रख देते हैं जिससे कि चुड़ैल ना आ पाए। वो चुड़ैल तो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन डिब्बे के वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलने की आवाज ही बंद हो जाती है। सोन बोलता है, लगता है कि वो चुड़ैल चली गई, हमें आज इसी घर में रात बितानी होगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वो चुड़ैल खिड़की से अंदर आने लगती है। सोन बोलता है कि ये चमगादड़ की बच्ची इधर से भी आ रही है। गुल्ली दौड़कर जाता है और वहां पर पड़ा डंडा उठाकर उस चुड़ैल को मारने लगता है। सोन बोलता है कि लगता है कि उस चुड़ैल को ज्यादा ही डोज पड़ गया, अब वो नहीं आएगी। सोन खिड़की से झांक कर इधर उधर चुड़ैल को देखने लगता है। तभी वो चुड़ैल सोन पर हमला कर देती है और सोन को खिड़की से खींच के बाहर लेकर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली को ये सीन देख के तो होंसी उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली दौड़ कर जाते हैं और उस बॉक्स को हटा के घर के बाहर जाकर सोन को खोजने लगते हैं। सोन तो कहीं भी नहीं दिखता। गुल्ली रोने लगता है। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली तुम अपने आप को संभालो, सोन हमारा शेर पुत्र है, सोन को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी उस घर के छप्पड़ पे से कुछ आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है, लगता है कि वो चुड़ैल सोन को ऊपर लेके गई है। बुल्ली बोलता है, जल्दी से ऊपर जाने का कुछ इंतजाम करो। बुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक सीढ़ी दिखता है। बुल्ली उस सीढ़ी को उठाता है और घर के नीचे लगा देता है और दोनों को इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली जब ऊपर जाकर देखते हैं तो वो सब देखते हैं कि सोन तो चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रहा है। गुल्ली बुल्ली पीछे से जाते हैं और वो दोनों चुड़ैल पर स्पीयर लगा देते हैं। वो चुड़ैल तो सीधे नीचे जाकर गिरती है। गुल्ली बोलता है, अब तेरी को कोई नहीं बचा सकता, तुमने मेरे बेटे सोन पर कैसे हाथ लगा दिया। चैन गुल्ली की मैन गुल्ली। और फिर गुल्ली उस चुड़ैल पर ऊपर से छलांग लगा देता है। अरे बाप रे बाप, करेजा टूट गया, खमार वाला कोई है। इतना में भी उन तीनों का मन नहीं भरता। बुल्ली भी रेडी उस चुड़ैल पर छलांग लगाने के लिए। बुल्ली भी उस चुड़ैल पर कूद जाता है। अरे बाप रे बाप, मार देला खमरा के जान। गुल्ली बुल्ली सोन के इतना अत्याचार के कारण उस चुड़ैल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो
वो चुड़ैल चिल्ला रही होती है। इतने में सोन एक मोटा लट्ठा लाता है और उसके पिछवाड़े पे मारने लगता है। सोन के मारने से उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती है। कुट्टी कुट्टी कर्णम तेरी अम्मा मेरी माँ। ये कौन सी भाषा बोल रही हो गुल्ली? तमिल बोल रहा हूँ तेरी माँ। वो चुड़ैल उठती है और सोन को पकड़ के जंगलों में लेके चली जाती है। गुल्ली बुल्ली भी चुड़ैल के पीछे भागते हैं। वो चुड़ैल सोन को उड़ा के जंगलों के बहुत आगे लेके चली जाती है। गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल का पीछा नहीं कर पाती, वो थक के वहीं पे रोने लगते हैं। तभी जंगल में किसी के पेड़ काटने की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली उस आवाज का पीछा करते हैं। अरे ये तो वही आदमी है जो गुल्ली बुल्ली को आईफोन बेचा था। गुल्ली बुल्ली उस आदमी को देख के आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं, मारो मारो, यही है वो खूनी दरिंदा जिसने हमारे सोन को मार डाला, मारो मारो। आज तू ना बची भी बेटा, जहाँ भाग ले भाग ले। वो आदमी बोलता, पहले मेरी बात तो सुनो। गुल्ली बोलता, क्या मैं सुनूं? तुम्हारी वजह से सोन आज खतरे में है। पता नहीं वो फोन कैसा था, उसी फोन की वजह से वो चुड़ैल हमारे पास आई थी। क्या है वो फोन का राज, अब तुम ही बताओ हमें। वो आदमी बोलता, ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक दिन जब मैं जंगल में पेड़ काटने के लिए आया तो मैं देखता हूँ कि एक लड़की ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके घूम रही है। मेरे मन में लालच जागता है कि मैं इसे मार के इसका आईफोन मैं ले लूं और फिर मैं अपनी कुल्हाड़ी से इस लड़की पर हमला कर देता हूँ और फिर मैं उस लड़की का डेड बॉडी को एक डब्बे में बंद करके अपने घर में रख देता हूँ और फिर मैंने उसका फोन तुमसे बेच दिया था। गुल्ली बोलता, तुमने बहुत गलत किया है उस लड़की के साथ, तुम्हें तो फांसी ही होगी और मौत की सजा हमेशा मौत मिलती है। बुल्ली बोलता है, अभी तुम्हें हमारा साथ देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पे मौत के घाट उतार देंगे। वो आदमी बोलता है, ठीक है क्या करना होगा मुझे। सारे लोग उस चुड़ैल को खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों को चाकू बजाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बोलता है, ये चाकू बजाने की आवाज तो उधर से आ रही है, चलो हम लोग को चलना चाहिए। सारे लोग जब आगे जाके देखते हैं तो उन लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। सारे लोग देखते हैं कि सोन को तो उस चुड़ैल ने बांध के रखा हुआ है और वो चुड़ैल चाकू के धार को तेज कर रही है, शायद वो सोन को हलाल करने वाली है। गुल्ली बोलता है, ये चुड़ैल तो हमारे सोन बेटा को मार देगी। गुल्ली बोलता, तू हम क्या कर सकते हैं। गुल्ली बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम चले जाओ बाबा को लाने के लिए और तब तक के लिए मैं चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता हूँ। अब तुम्हारे हवाले बतन साथी। गुल्ली और वो आदमी उस चुड़ैल के सामने चला जाता है। तेरी बहन की लक्की। वो चुड़ैल गुल्ली और उस आदमी की तरफ देखने लगती है। तुम ही ना हो जिसने मुझे रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल दिया था। गुल्ली बोलता है, हाँ ये वही आदमी जिसने तुम्हें मारा था। गुल्ली बोलता है, तुम इससे अपना बदला ले लो, लेकिन अगर तुमने मेरी सोन को छूने की कोशिश की तो इतना मारूंगा। सीना सोची ना होगी, मरना तो पड़ेगा तुम सबको। और फिर वो चुड़ैल चाकू को उस आदमी को फेंक के मारती है जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देख के तो गुल्ली डर जाता है। गुल्ली बोलता है, तुमने तो अपना बदला ले लिया, अब हमें यहाँ से जाने दो। ना मुन्ना ना, जैसे तुमने मुझे उछल उछल के मारा है अब तुम्हें मरना होगा। गुल्ली बोलता है, हमें चोट पहुँचाने की सोचना भी मत, तुम्हें शायद पता नहीं कि हम लोग किसके आदमी है, हम लोग बाबा लंगोटी लाल के आदमी है। उछल बोलती है, कौन है ये लंगोटिया? तेरा बाबा। वो चुड़ैल बोलती है, ये बुड्ढा मुझे मारेगा। गुल्ली बोलता है, हमारे बाबा सर से लेके पांव तक फौलाद है, एक बाप की औलाद है। बाप बोलते हैं, जाओ बुल्ली उस चुड़ैल को यहाँ पे मेरे सामने टांग के लेके आओ। बुल्ली गाड़ी से उतरता है और वो जाता है चुड़ैल के पास उसे घसीट के लाने के लिए। वो चुड़ैल मनी मन सोचती है, अब तो गेम बजाना पड़ेगा। बुल्ली बोलता है, तुम बाबा के पास दो पैरों पे चलना चाहोगी या फिर चार कंधों पे? वो चुड़ैल बोलती है, मैं चार कंधों पे ही जाना पसंद करूंगी। अरे ये क्या, उस चुड़ैल ने तो बुल्ली का आंखी काला कर दिया। मारा, मारा। बाबा बुल्ली से बोलते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो चुड़ैल हवा में हाथ हिलाती है जिससे कि उसके हाथ में तलवार आ जाता है।
अब तो बाबा गई हो, पता था ये ठंडवा में बुढ़वा लटक जाएगा। वो चुड़ैल बोलती है बुड्ढी, अब मैं देखता तुझे कौन बचाता है। वो चुड़ैल अपनी तलवार को बाबा को जोर से फेंक के मारती है। अरे ये क्या, बाबा तो उस चुड़ैल के वार से बच गए। लगता है कि अभी भी बाबा के हड्डियों में दम है। हुर्रे, बुढ़ाव बच गया, हुर्रे, बुढ़ाव बच गया। बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। बाबा की दोनों आंखें लाल भी है। बाबा का ऐसा गुस्सा देख के वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और बाबा पागल कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगते हैं। अरे रुक तेरा मैया का संया रुक। अरे बचा रे बुढ़वा सांवरा। और फिर वो चुड़ैल ये घर के पीछे जाकर छिप जाती है। और फिर क्या था, बाबा भी उस घर के पीछे जाकर गर्दा मार चालू कर देते हैं। और फिर बाबा थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल को बाहर लेकर आते हैं और उसे जोर से एक लात मारते हैं। लगता है कि वो चुड़ैल बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरी है। सारे लोग बाबा के गाड़ी पे बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है बाबा आप कैसे जाएंगे। बाबा जोर से सीटी बजाते हैं। वहाँ पर एक घोड़ा आ जाता है। बाबा उस घोड़े पे बैठ जाते हैं। बाबा बोलते मैं कैसा देखने में लग रहा हूँ ना राजकुमार। गुल्ली बोलता है मुझे तो लग रहा है किसी घोड़े पे गधा बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।